लैंड किया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहले से इंतजाम किए गए थे, 170 भारतीय इसमें मौजूद हैं। भारत पहुंच चुका है C-17 ग्लोब मास्टर। तस्वीरों उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जब हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर लैंड कर चुका है। लगातार भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है, इससे पहले भी भारतीयों को लाया गया है और कोशिश भारत सरकार की यही है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फंसे हुए, काबुल में फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें तुरंत वापस लाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी खुद को मुश्किल में पा रहा है, ऐसे लोगों का भी हिंदुस्तान में स्वागत है, चाहे वो किसी अदर कंट्री के हों। 170 लोगों को भारत लेकर, माफ कीजिए, स्वदेश वापस ला चुका है। 170 भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर लेकर हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। लेकिन चूंकि ये हम सब जानते हैं कोविड काल है, मुश्किल परिस्थिति में जहां बहुत खचाखच भीड़ थी, वहां से इन भारतीयों को निकाला गया है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा होगा, RT-PCR टेस्ट करना होगा, उसमें भी एक लंबा प्रोसीजर लगेगा, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि सभी का टेस्ट करना, सभी को आइसोलेट रहना, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन राहत की बात इन सभी लोगों के लिए ये है कि अपनी धरती पर पहुंच चुके हैं, स्वदेश लौट चुके हैं 170 लोग। और Thank you.